वो किसी भी तरह से आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। अब चलना है या नहीं चलना है वो आपकी मर्जी है। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों कुछ ऐसे बिंदुओं पर आज बात करने वाले हैं जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि बाबा श्याम हमसे क्या कहना चाहते हैं, कैसे बाबा श्याम की प्राप्ति कर सकते हैं, बाबा श्याम को हम बुला सकते हैं। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम कहते हैं, सबसे पहले अपने मन से हमें डर की भावना निकाल देनी चाहिए। डर मतलब अनजाना भय, अनजाना डर। अगर हम हमेशा डर की स्थिति में रहेंगे और हमेशा ये सोचते रहेंगे कि हमारे साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है, हमने बहुत सारा कर्जा ले रखा है, ना चुका पाए तो क्या होगा, इस अनजाने भय से हम डरते रहते हैं। और ये भी कहते हैं कि हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो डर और स्मरण ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप भगवान का नाम डर के स्मरण करते हैं, यानी भय के कारण स्मरण करते हैं, तो भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर नहीं होती है। ईश्वर की कृपा तभी मिल सकती है जब आपके मन में किसी भी प्रकार की डर की भावना ना हो। तो सबसे पहले अपने मन से डर की भावना को निकाल दीजिए। जब भगवान को आप मानते हैं, आपको लगता है कि भगवान आपके साथ है हर वक्त, फिर डर किस बात की है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मौत। और मौत ये सच्चाई है, मरना सभी को है, आज नहीं तो कल मरना ज़रूर है, पर मरना ज़रूर है। मरने से बड़ा डर और क्या होगा? इस डर को आप तभी निकाल सकते हैं जब प्रभु का नाम, प्रभु का ध्यान, प्रभु का स्मरण आप हर वक्त करते रहेंगे। अगर आप सच्चे हैं, सच्चा कर्म करते हैं, तो आपको डरना नहीं चाहिए, बस भगवान पर भरोसा बना के रखना चाहिए, ये बाबा श्याम कहते हैं। तो आपने कहावत तो सुनी ही होगी, जो डर गया सो मर गया। इसलिए आप निडर रहिए, बिना कुछ सोचे यानी बिना किसी डर के भगवान का स्मरण करिए। श्याम भक्तों कई सारे लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं, क्या बाबा श्याम को सिर्फ हिंदू धर्म ही मान सकते हैं, कोई और धर्म नहीं मान सकते? तो देखिए, ईश्वर को मानना नहीं मानना ये तो आपके ऊपर है। किसी भी धर्म के लोग बाबा श्याम को मान सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बाबा श्याम जो हैं वो हारे के सहारे हैं और जीत दिलाते हैं। यानी दूसरा जो बिंदु बात कर रहा हूँ मैं, धर्म के ऊपर कर रहा हूँ। इंसानों ने धर्म बना रखी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया। भगवान ने ही बोल के नहीं भेजा कि तू मुस्लिम में पैदा होगा तो हिंदू में पैदा होगा, तो सिख में होगा तो ईसाई में होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि भगवान एक ही है, हम इंसानों ने आकर उनका स्वरूप अलग अलग कर दिया। अपने अपने धर्मों के अनुसार हमने उनका स्वरूप अलग अलग बना दिया। तो श्याम भक्तों हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना कर्तव्य यानी जो हमारे काम है और जो हमें जिम्मेदारी मिली है, यानी साफ साफ सीधे शब्दों में कह सकते हैं, हमारा कर्तव्य हमारा जिम्मेदारी है, यानी हमारा धर्म है। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी का सम्मान करते हैं तो ईश्वर की कृपा बनी रहती है। पता नहीं ईश्वर किस रूप में आपके समक्ष आ जाए और आपकी परीक्षा ले ले, और उस समय अगर आपने ईश्वर को धर्म की दृष्टि से अगर आपने जांचा कि नहीं ये तो मुस्लिम है, ये तो सिख है, ये तो ईसाई है, ईश्वर कभी भी किसी भी रूप में परीक्षा ले सकते हैं आपकी, आपकी मन स्थिति को जांच सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी मन की स्थिति कैसी है और आप भगवान को किस प्रकार से पुकारते हैं, ध्यान करते हैं। जब भगवान आपके समक्ष किसी भी रूप में आते हैं तो आप किस प्रकार से उनके सामने मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो विशेष ध्यान रखें, धर्म जो है अपने कर्तव्यों का, अपने जिम्मेदारियों का, जो आपके परिवार में है उनके लिए जो कर्म है, वो तो सारी चीज़ें हमें करते रहने चाहिए, यही हमारा असली धर्म होना चाहिए, ये बाबा श्याम कहते हैं। श्याम भक्तों अगली बिंदु पे बात करते हैं। श्याम बाबा कहते हैं कि हमें हमेशा क्रोध से बचना चाहिए। अगर हम बात बात पे क्रोधित हो जाएंगे तो हमें बाबा श्याम कहाँ से मिलेंगे?
हमारी इतनी भागदौड़ की जिंदगी है, हमारी जिंदगी में इतनी सारी चिंताएं हैं कि हम कि कभी कभी क्या होता है कि हम क्रोधित हो जाते हैं। कोई अगर हमसे कुछ छोटी सी भी बात करता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसी क्रोध की भावना में हो सकता है कोई भगवान के रूप में ही आपके समक्ष आ जाए, जिसे देखकर आप क्रोधित हो जाए, क्रोध के कारण कुछ आप ऐसा कर जाएं कि भगवान ही आपसे दूर हो जाए। तो क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करेंगे तो भगवान की प्राप्ति कहाँ से होगी, भगवत नाम कहाँ से जपेंगे। बाबा श्याम कहते हैं, जिसके पास क्रोध है उसके पास मैं रहकर क्या करूँगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। श्याम भक्त, तो किसी भी परिस्थिति में हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होता है कि इसी जीवन में हमें सुख भी देखना होता है, दुख भी देखना होता है। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें काफ़ी दुख होता है, हमें सदमा पहुंचता है और हम इतने अधिक दुखी हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे जो अपने हैं उनसे हम प्रेम करते हैं, उनके प्रति हमारा सम्मान है, उनका मान रखते हैं, और जब उनके साथ कुछ होता है या दिक्कत आती है तो हम अत्यधिक दुखी और ऐसे हो जाते हैं कि कभी कभी तो भगवान को भी कोसने लगते हैं कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया, हम तो आपकी पूजा करते थे, आराधना करते थे। तो श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है ही। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए अगर जिंदगी में, तो भगवान को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते कि आप दुखी हों। परंतु जो सच है वो तो सभी के साथ होना ही है, और इस सच को आपके मानने से सच नहीं बदलेगा, क्योंकि जो प्रकृति है वो प्रकृति के अनुसार ही काम होता है। तो शम्भक तो हमें किसी भी विषम परिस्थिति में अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, इस विशेष बातों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम दुखी रहेंगे तो भगवान की प्राप्ति हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर वक्त अपने दुख को सोचने में ही गंवा देंगे। बात करते हैं अगले बिंदु पे। श्याम बाबा कहते हैं, प्रतिक्रिया यानी संसार में हम जीते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें हमें सामना करना होता है, तो उन सभी की बातों पर प्रतिक्रिया देना यानी अपने आप को हर वक्त सही रखना, ये सही नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि हम कुछ गलत हो, तो श्याम भक्त, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर किसी के जवाब का और हर समय आपको किसी भी बात पर प्रतिक्रिया करना ज़रूरी है। जीवन एक यात्रा है और लंबी यात्रा है, इसको सही तरीके से जीना है तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हमें उतनी ही बात करनी चाहिए जितनी ज़रूरत है, और किसी भी बात की, किसी भी प्रकार की गलत प्रतिक्रिया सामने वाले को नहीं देनी चाहिए। श्याम भक्त, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी ऐसी विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं, उसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, कई सारी बातें पूछी जाती हैं, उस समय हम इतने अधिक दुखी और चिंतित हो जाते हैं कि हमें आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इसलिए किसी भी विषम परिस्थिति में जितना ज़रूरी है उतना आप बता सकते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हर वक्त के लिए हर चीज़ के लिए प्रतिक्रिया या जवाब देना ज़रूरी है। तो बाबा श्याम की इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। श्याम भक्तों, इस संसार में अगर हम आए हैं तो हमें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो अपने संसार को हम कैसे चलाएंगे, कैसे जिएंगे। तो कर्म जो है वो हमेशा करते रहना चाहिए ताकि बाबा श्याम की असीम कृपा हम पर बनी रहे। श्याम भक्तों, यहाँ कर्म से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कर्म से पैसा कमाना है, कर्म कई तरीके के होते हैं, यानी हमेशा हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छी तरह से हर किसी के साथ बर्ताव करना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी है कि अपने कर्म यानी कि मन स्थिति को ऐसे ध्यान लगाना चाहिए प्रभु में ताकि प्रभु की प्राप्ति हमें हो सके, और साथ ही प्रभु के दर्शन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो हमें ऐसे अच्छे कर्म करने चाहिए यानी अच्छे काम करने चाहिए जिससे हम धन का उपार्जन कर सकें और उसके साथ बाबा श्याम के दर्शन कर सकें। तो श्याम भक्त, हमारे जीवन में जितने भी हमारे कर्म हैं उन कर्मों को हमें सुधारना चाहिए, और जो हमारे जीवन में जो असली कर्म है
को सभी करके भविष्यांक की प्राप्ति करनी चाहिए। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर बनती है। आप सभी को अंत में यही बोलूँगा कि भगवत प्राप्ति के लिए ज़रूरी है भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान में हमेशा ध्यान लगाना, किसी भी प्रकार की डर चिंता से दूर रहना, और अगर आप किसी भी अनजाने तकलीफ़ में हैं और वो तकलीफ़ आपने खुद ही बनाई है तो भगवान सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाते हैं। वो किसी भी तरह से आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। अब चलना है या नहीं चलना है वो आपकी मर्ज़ी है। तो होपफुली आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।